हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। एक वर्ल्ड वॉक की गोल्ड मेडलिस्ट की चैंपियन है, नाम है रूही। चलिए मिलवाता हूँ। हाय, दिस इज रूही शिंगाड़े। आई एम एन इंटरनेशनल पैरा एथलीट। आई प्ले बैडमिंटन, आई पावर लिफ्टिंग एंड एथलेटिक्स। नाउ करंटली आई एम वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट एज अ तालुका स्पोर्ट्स ऑफिसर। व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन पावर लिफ्टिंग? After my SSC 10th exam vacation, I have just joined a gym in my society. जैसे अपनी हाइट बढ़ती नहीं है तो अपने में थोड़ा बोलते है कि मोटापा फैटनेस बढ़ता है, तो ऐसे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेरे को ऐसा बोला था कि हैज अ फिटनेस, आगे कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो हेल्थ के साथ तो तू जिम ज्वाइन कर ले कि तेरी बॉडी फिट रहेगी। तो उस हिसाब से मैंने जिम ज्वाइन किया था। कॉलेज के लिए जैसे कि अपने को अपन हैंडीकैप होने की वजह से हैंडीकैप सर्टिफिकेट की जरूरत लगती है, तो वो निकालने के लिए मेरा नेटिव प्लेस लाइक नागपुर बर्थ प्लेस है मेरा, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे मुझे विजय मुनीश्वर सर मिले, वो पावर लिफ्टिंग के इंडिया के कोच है, इंडिया टीम के कोच है। उन्होंने मुझे जस्ट पूछा को पता है इसके बारे में नॉलेज है क्या? मैंने बोला हाँ सर, मैं जिम ज्वाइन की हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो वहां पे उन्होंने मेरा फर्स्ट ट्रायल लिया, बेंच था, रॉड था, वेट थे, और वो बोले कि हमको करके दिखाओ, और वो मैंने ट्रायल सक्सेसफुली लिफ्ट किया और वहां से मेरा सिलेक्शन हो गया पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के लिए। अच्छा। तो वहीं से फिर मैंने स्टेट लेवल गेम स्टार्ट किया और वहां से मेरी एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर जर्नी स्टार्ट होती है। व्हाट वाज योर मोस्ट मेमोरी मोमेंट इन पावर थिंग, पावर लिफ्टिंग? मेरी मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट तो मैं वही बोलेगी जो मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला था पावर लिफ्टिंग का, जो यूएसए मिचिगन में हुआ था, और मैं फर्स्ट टाइम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली थी वर्ल्ड लेवल गेम्स पे। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल के लिए, आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड, वेरी प्राउड कि मैं अपने देश के लिए खेल रही हूँ। पर एक थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आई थी, इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जाने के लिए अपने को खर्चा भी बहुत आता है, पैसा भी बहुत आता है, बहुत लगता है। तो मेरे डैड ने खास मेरा सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने तय किया था कि मैं अपनी लड़की को कुछ भी करके भेजूंगा। तो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि अराउंड 2 लाख के अबाव खर्चा था और उतना पैसा नहीं था, पर ये मौका वापस बार बार आएगा नहीं, इसके लिए पप्पा ने मेरे को लोन निकाल के भेजा था वो टूर्नामेंट के लिए। उन्होंने बैंक से लोन निकाला था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे अपने जैसे बहुत सारे लोग थे, पहले तो ऐसा बुरा लगता था कि मैं ऐसे क्यों, पर वहाँ पे जाने के बाद मेरे जैसे बहुत लोगों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम लोग की भी एक दुनिया है, हम लोग भी इस दुनिया के लिए कुछ है, सिर्फ हंसने के लिए या कोई मजाक बनने के लिए नहीं है, पर हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। जब मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट खेला वहां पे और जैसे खेलने के बाद मैं जीत गई, मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल था, एक अलग ही फीलिंग थी कि मतलब मेरे आंख से आंसू आ गए थे। और वहां पे करीब इवनिंग था और यहाँ पे इंडिया में अपना मॉर्निंग 4 o'clock बजा था। मैंने वहां से फोन कॉल करके फर्स्ट फोन कॉल मैंने अपने डैड को किया था और मैंने बोला था कि डैड, आई हैव जस्ट विन इट, आई हैव विन अ गोल्ड मेडल, एंड इट्स वाज रियली वेरी एक्साइटिंग मोमेंट एंड वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि उन्होंने मेरे को लोन निकाल के भेजा था और वो पहली बार मेरे को अपने डैड को बतानी थी। तो इंडिया में मेरे इतने लोग मेरे को मेरा सत्कार किया, मेरे को फेलिशिएट किए, एक अलग ही ये हो गया था कि पहले लोग मेरे को जानते नहीं थे, अब सारे लोग मेरे को जानते मेरे नाम से, ये रूही है, ये वही इंटरनेशनल प्लेयर है जो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई थी। तो पावर लिफ्टिंग का ऐसा होता है कि आगे जब वेट बढ़ता है तो हाथों में थोड़ी इंजरीज भी आ सकती, क्योंकि अपने हैंड स्मॉल है, अपने बॉडी स्मॉल है, तो जैसे जैसे आगे आगे वेट लिफ्ट करना पड़ता है, ज्यादा हेवी बॉडी लिफ्ट करना पड़ता है, तो आई गॉट लिटिल इंजर्ड इन माई लेफ्ट आर्म। सो देन आई स्टार्ट कि चलो अपन बैडमिंटन, क्योंकि बैडमिंटन में बचपन से खेलती थी हमारे सोसाइटी में मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ वगैरह, तो बोला बैडमिंटन भी ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। तो मार्क ने मेरे को सजेस्ट किया था और मार्क की वजह से मैं बैडमिंटन में आई हूँ। जब आप एज अ लिटिल पीपल, आपको कैसे जब लोग देखते रहते हैं, आपको क्या रिएक्शन आती है आपको?
फैमिली के लिए मैं बहुत लकी हूँ कि हाँ फैमिली सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा है. मैं जब बिल्कुल भी सही, फैमिली में रहती हूँ मेरे को भी ऐसा एहसास भी हुआ है आज तक, कभी फील नहीं हुआ है ना उन्होंने मेरे को ऐसा कभी फील कर दिया है कि मैं एक लिटिल पीपल हूँ या हैंडीकैप पीपल हूँ. हमेशा बचपन से मेरे को फैमिली सपोर्ट है, मेरे पापा का सपोर्ट है, मम्मी का सपोर्ट है. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट ईयर। ये जो ड्वार्फ गेम्स थैंक यू. आएगा जब अगले साल, आपके लिए चीयर या करें। थैंक यू. थैंक सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट यू. नेक्स्ट ईयर एंड सो सी यू सून एंड बाय बाय। या थैंक यू. बाय. थैंक यू. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।